अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं अल जजीरा न्यूज और मैं हूं आपकी मेजबान नायला भट्टी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। अब यहाँ रुख करेंगे खुशाब का, जहाँ पे हमारे नुमाइंदा खसूसी उमर फारूक मौविया की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर कासम अली शाह ने डीसी हाल में जिला इंतजामिया और दीगर महकमों के सरबराहान अफसरान के इजलास में सब्र इस्तकामत और आगे बढ़ने के जज्बे के मौजू पर खिताब करते हुए कहा कि इंसान की जिंदगी में बहुत से चैलेंजेस दरपेश होते हैं और इन चैलेंजेस में ही दर्द होता है। असल में कुदरत को आप में तब्दीली मकसूद होती है और यही चैलेंज और दर्द आपको आगे बढ़ने का मौका देते हैं। उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक्य का जिक्र करते हुए कहा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुएं में गिरने का वाक्य पेश आना था, जिससे उन्हें अरूज हासिल हुआ। वो कुएं से निकले और मिस्र के बाजारों में फरोख्त हुए। अल्लाह पाक ने उन्हें हुकूमत दी और तख्त नशीन हुए। इस अरूज पर पहुंचने के बाद और अपने भाइयों की जानब से नारवा सलूक करने के बावजूद भी उन्होंने सब्र को हाथ से ना जाने दिया और उनके साथ अच्छा बर्ताव किया। उन्होंने कहा कि कुदरत की जानब से दिए गए चैलेंजेस असल में आपको ट्रेनिंग होती है। अगर आपसे कोई हसद करता है तो आप सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें, क्योंकि कुरान पाक के मुताबिक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। इस सब्र में भी हिकमत है। सब्र करने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने अपने रजिस्टर्ड में आपकी रजिस्ट्रेशन कर ली है, जिसका वो अजर जरूर देगा। हसद करने वाले के साथ आप मुकाबलाबाजी मत करें, उसका हसद ही आपको तरक्की के जीने पर ले जाएगा। अगर आप बाहिम्मत इंसान हैं तो बड़े से बड़ा तूफान भी आपका मुकाबला न कर सकेगा। आप दूसरों के लिए एक मुस्बत मिसाल बने। उन्होंने कहा कि महकमा सेहत रेस्क्यू 11-22 जिले इंतजामिया पुलिस और दीगर इदारे खिदमत खलक के लिए हैं। अल्लाह ताला ने आपको बड़े बड़े ओहदों पर फाइज किया है, क्योंकि अल्लाह पाक ने आपसे इंसानियत की खिदमत का काम लेना है, इसलिए आप अपने आप को खुश नसीब समझें। डिप्टी कमिश्नर खुशाब जीशान शबीर राणा ने कहा कि कासम अली शाह की शख्सियत किसी तारफ की मोहताज नहीं है, हम उनकी शख्सियत और कमालात के मोतरफ हैं। पुराने वक्तों में हमारे बुजुर्ग वालदेन भी अपने बच्चों के लिए मोटिवेशनल होते थे, लेकिन आज के जदीद दौर में नई नस्ल को कासम अली शाह जैसी शख्सियत और उस्ताद से रहनुमाई की अशद जरूरत है। इजलास में डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर अमजद भट्टी, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर अब्दुल रशीद, असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब नुमान महमूद और मैनेजर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल होम उमे फरवा हमदानी ने भी मोटिवेशन के प्रोफेशन पर गुफ्तगू की। इजलास में डीपीओ खुशाब शाइस्ता नदीम, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल खुशाब अहमद सोएब, सीईओ हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर अमानुल्लाह काजी, सीईओ एजुकेशन अथॉरिटी अशफाक अहमद, महकमा औकाफ के खतीब मौलाना अकमल अब्बास, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर इम्तियाज अहमद मांगड़, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस इम्तियाज अहमद सोबी, डीओ इंडस्ट्रीज मोहम्मद अब्दुल्ला के अलावा हाईवेज, पब्लिक हेल्थ, पॉपुलेशन, सिविल डिफेंस अकाउंट्स व दीगर महकमों के सरबराहान अफसरान ने शिरकत की। मजीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए देखते रहें अल जजीरा न्यूज या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.aljazeeranews.tv। एक जैसा ठंडा और तो और डॉलन्स का हाई परफॉर्मेंस इन्वर्टर कंप्रेसर दे बिजली की बचत भी, क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है।